एवरीवन, आई एम मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज के आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप घर पे खुद से अपने लिए बीबी क्रीम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। उसके साथ एक रेड कलर का बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आप होंगे सबसे पहले नोटिफाई। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीबी क्रीम को ब्यूटी बाम या ब्लैमिश बाम भी कहा जाता है। ये आपके फेस पे हैवी लुक नहीं देते हुए आपके फेस को फुल कवरेज देता है, और इसको आप डेली वेयर में भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बीबी क्रीम में प्राइमर, मॉइस्चराइजर, कंसीलर, फाउंडेशन और SPF का कंटेन होता है। मार्केट में बहुत सारी बीबी क्रीम्स अवेलेबल है, पर उसमें 2 से 3 शेड ही अवेलेबल होते हैं, जो कि अपने इंडियन स्किन टोन के लिए इनफ नहीं है। पर जब आप खुद से अपने लिए बीबी क्रीम बनाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें SPF या आपको कितना फुल कवरेज देना है, या उसमें मॉइस्चराइजर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी एक बीबी क्रीम बनाई है, चलिए देखते हैं कि उसको बनाने का क्या तरीका है। बीबी क्रीम बनाने के लिए आप एक बॉल में मॉइस्चराइजर लीजिए। यहाँ पे मैं निविया का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। इसका मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ड्रीम सार्टिन फाउंडेशन, जिसका SPF है 24, और इसके मैं 5 से 6 पंप के आसपास ऐड करूँगी। इसमें आप अपना कोई भी फेवरेट फाउंडेशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें न्यूट्रोजीना का सनब्लॉक क्रीम, जिसमें SPF 50 है, और ये भी मैं 1/2 स्पून जितना लूंगी। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ इसमें मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसमें मेरा शेड है शेल, और आप अपना कोई भी फेवरेट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, और इसमें SPF 28 है। मैं इसका लिटिल बिट अमाउंट लूंगी, जितना मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उतना। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने से ये आपका प्राइमर का काम करता है, और आपके स्किन को स्मूथ और सपल भी बनाता है। ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। और बीबी क्रीम बनाते समय अगर ये आपके स्किन टोन से डार्क हो, तो आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड करिए, और अगर ये स्किन टोन से आपके लाइट हो, तो इसमें आप फाउंडेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपका ये बीबी क्रीम रेडी है। अब इस बनाई हुई बीबी क्रीम को आप एक छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। इसको आप 2 से 3 हफ्ते तक आराम से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपकी बीबी क्रीम रेडी है, तैयार हो गई है यूज करने के लिए। अब इस क्रीम को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, और अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश भी कर लेंगे। इसको मैं डैब देते हुए अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इसको मैं अपने अंडर एरिया, आई एरिया और अपर आई एरिया में भी अप्लाई करूंगी, और इस क्रीम को मैं अपने हाफ फेस पे ही अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से नजर आ सके और आसानी से भी नजर आ सके। कुछ इस तरीके से मसाज देते हुए आपको अपनी स्किन पे इस क्रीम को अप्लाई करना है। आई होप आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा हो। देखिए, दोनों साइड के फेस में काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है। इधर की स्किन डल लग रही है, और इधर की स्किन ग्लोइंग लग रही है। अब इस क्रीम को मैं अपने फेस के दूसरी साइड भी अप्लाई कर लूंगी। मैं
ये क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन वालों की स्किन फैकी हो जाती है तो वो उनको बार बार अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है, बट इसको यूज़ करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, तो ये क्रीम काफ़ी मुझे अच्छी लगी। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो जल्द ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।